अभी सबसे पहले मैं आप सब लोग, कुछ लोग नए आए, आए नहीं आए, वो ये देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं नहीं देते। मैं चाहता हूं चार पांच लोग ऐसे आ जाए अपने आप ही वॉलंटियर, जिन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हो और वो कभी बीमार रहे हो और उन्हें एहसास हुआ हो कि एसनीपीएस के क्या प्रोडक्ट है, जिससे आप पूरी जनता सुन के जाए। एक कहावत सुनिए भाई, हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को क्या, हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को, सच तो सच ही होता है, आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। अब हम 10 साल हो गए यार, और कितनी परीक्षा लोगे, अब अग्नि परीक्षा ही लोगे, अब आग में कूद मरे, 10 साल में नहीं समझ पाए। तो प्लीज मैं चाहूंगा कुछ लोग प्लीज सर स्टेज पर आइए। ये लोग हमारे प्रोडक्ट यूजर है, मैंने ज्यादा नहीं सिर्फ 5 लोग बुलाए और इनसे ही सुनिए इनकी कहानी, फिर मैं आपके 2 प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा और फिर हम एसनीपीएस में धमाल करेंगे। जी बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता पांडे है, मैं श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ। और सर मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे यूट्रस ने 15 mm की एक गांठ थी, जिसमें कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कर दिया था कि ऑपरेशन होना है, लेकिन किसी कारण और दूसरी बीमारी के चलते मुझे ऑपरेशन नहीं हो पाया। तब तक हमारे सर जो हमारे अपलाइनर है श्री मिस्टर सुनील खंडूरी सर, जिन्होंने कि मुझे आयुर्वेद का बारे में बताया और कहा कि अगर आपको विश्वास है तो एक बार इस प्रोडक्ट को आजमा कर देखिए। तो सर मैंने 100%, मैंने कहा वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि मरना तो है ही, तो इससे अच्छा है कि इस प्रोडक्ट को खाके देखती हूँ, अगर कुछ बच जाओ तो अच्छी बात है, या मतलब थोड़ी दिक्कत जो है मुझे तो ठीक हो सकते है। लेकिन यकीन नहीं करोगे आप, मैंने 3 महीने लगातार केवल 18,000 मात्र 18,000 का प्रोडक्ट मैंने यहाँ से खरीदा, और मतलब मुझे 3 महीने में आप यकीन नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और आज मेरा परिवार भी खुश है और मैं आपके सामने स्वस्थ और मस्त खड़ी हूँ। तो मैं आपको 100% विश्वास दिलाती हूँ कि आप जो है हमारे पक्का आपका घर वाले देख लेंगे इनको, नेटवर्किंग कंपनियां झूठी बोलती है, मैं क्या बताऊं, इसलिए डाउट रहता है। मेरा नाम अंजलि है और मैं जॉब करती थी, जब मुझे सिस्टम के बारे में पता चला, मेरी प्रॉब्लम थी गायनो प्रॉब्लम, जो आज इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट लड़की को प्रॉब्लम है, लेकिन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मेरे को जब दिक्कत थी, मुझे पीरियड के टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द होता था, मैं कॉल सेंटर में जॉब करती थी, मुझे कभी भी छुट्टी नहीं मिलती थी, जब 4 दिन इतने हैवी होते थे मैं उठ भी नहीं पाती थी, ना बोल पाती थी किसी से, ना खाती थी मैं, मेरी मम्मी सभी लोग बहुत परेशान थे, मेरा शरीर भी बिल्कुल नहीं बन पा रहा था। आप आज से 1 साल के पहले के फोटो अगर मेरी देखोगे, आज देखोगे, आपको खुद पता चलेगा कि मेरे में क्या परिवर्तन हुआ है। मेरा लीवर में भी फैटी था, लीवर खाना नहीं लगता था शरीर में, घर वाले बहुत परेशान थे कि पैसा कमा के क्या करेंगे जब शरीर ही नहीं है। दूसरी चीज है, मुझे नजले की बहुत दिक्कत होती थी, मैंने कभी चावल खाया ही नहीं ठंडियों के टाइम पे, और न ठंडा पानी पिया था। मैंने अपने नजले के लिए एलर्जी डॉग लिया, मैंने अपने गायनो प्रॉब्लम सही करी, जो पीरियड में हर लड़की तड़पती है और लोगों को लगता है नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। आपके जीवन में जो खतरा आने वाला है उसकी घंटी है, अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम को, और मैं शुक्र करती हूँ सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल फिट एंड फोर। आप ठीक हो गए? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर लड़कियों के लिए वरदान है, हर ताली बजा दो मैडम के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये देखो अभी माता जी को हमने दिए 1 करोड़ रुपए की, माता जी हमारे नाम की सच्चे हो कैसी बनी, दो अभी क्या पैसा देंगे, हमारे को आशीर्वाद देते वो ही बहुत है। आप बताओ क्या 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 प्रॉब्लम थी सर? नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं 1 साल में हूँ और आर्मी में मतलब सर्विस करते करते ही मेरी मिसेज को लीवर कैंसर की बीमारी थी, पर मुझे पता नहीं था कि इनको लीवर कैंसर है करके। पिछले 10-12 साल से मतलब कभी एमएच कभी इंद्रेश करके मतलब ट्रीटमेंट चला रहे थे, पर वहां से जब पता चला कि जब मैं एडोल फेल में आने के लिए भी मेरे पास एक डॉक्टर ने लीवर डॉग दिया था इनके लिए, कि लीवर डॉग देने से इनको लीवर ठीक होगा करके बताया, और मेरे जो अपलाइन है उन्होंने लीवर डॉग लेके मेरे को दिया। उसके बाद जब इनको पिलाना शुरू किया था, 3 महीने में इनको लीवर का मतलब रिजल्ट निकला,
रिजल्ट निकलने के बाद फिर मेरे डॉक्टर लिवर कैंसर में रिजल्ट आ गया और क्या लोगे डॉक्टर सक्सेना साहब को मैंने फिर दोबारा जब दिखाया था फिर वो कहने लगे इनका लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इनका देहरादून में कोई इलाज नहीं है, दिल्ली ले जाओ। तो मैंने कहा सर खर्चा कितना आएगा, तो उन्होंने बोला 80 लाख खर्चा आएगा, इनको दिल्ली ले जाओ तब जाएंगे नहीं तो ये खत्म है। फिर मैंने दोबारा लेके अपना फोल्डर को जब मैंने देखा और फोल्डर के अंदर मैंने कोलोरोडक दिखा कि उसके अंदर सेकेंड स्तर का कैंसर ठीक होता है, तो वो मैंने इनको पिलाना शुरू किए। आज ये मतलब बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक आपको बहुत ठीक है। फिर आशीर्वाद दे दो मुझे और ये बच्चों का आशीर्वाद, ऐसे सबको सबको आशीर्वाद दो, ये सब बच्चे एडब्ल्यूबी के हैं। थैंक यू सो मच। आइए, अच्छा थैंक यू सो मच। आप सिर्फ हमारी कंपनी को और हमारे बच्चों को सबको आशीर्वाद दें, भगवान है इस सबके पीछे बाबा है। अच्छा 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 खुद से बोला है, अरे वाह 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 वाह, अरे दे दो फिर। अच्छा आप बेटा 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 इनका बेटा आ जाओ, ये है प्यार AWPL के लिए जनता का। थैंक यू सो मच भाई, कैसी तालियां होनी चाहिए यार माता जी के लिए। साइलेंट मत हो भाई, साइलेंट नहीं होगी ये लोगों पे अला वॉयलेंट होगी वॉयलेंट। थैंक यू सो मच जी। भाई साहब आप इससे चल रहे हैं बताइए। हाँ सर नमस्कार। नहीं नहीं यही बताइए आप ही बताओ। सर मैं परसों की प्रॉब्लम से परेशान रहा 2015 से, सभी डॉक्टरों ने दिखाया पर किसी ने कोई उचित निर्णय नहीं लिया, ना मुझे ठीक कर पाया। उसके बाद मैं सब हिम्मत हार चुका था, हिम्मत इतना हार चुका था कि क्या कर सकूं। नहीं आप बताओ, अरे आप बड़े बड़े भाई साहब यार ऐसे मत करो प्लीज, प्लीज ऐसे मत करो प्लीज प्लीज प्लीज, ये गलत बात है बड़े भाई। नहीं नहीं आप ऐसे मत करो, अरे क्या दिक्कत है बोलो, अरे आप प्लीज ऐसे मत करो प्लीज प्लीज, अरे आप बड़े हो सुनो, इतने हजार लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपसे हिम्मत लेना चाहते हैं, बताओ बता दो आप ठीक हो गए अभी आराम है ये बता दो। AWPL की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आज, ये हो गया ताली होनी चाहिए यार भाई, कहना आपको आप मेरे को लाए तालियां खड़े हो गए होने चाहिए आपके लिए होगी। देखो क्या था इनको बताओ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आज आपके माध्यम से। क्या था ये बिस्तर पे थे और हमारे टीम में एक डॉक्टर मनोज यादव जी हैं, तो वो मुझे अपना सीनियर डॉक्टर बना के ले गए थे इनके पास। ये बोला सर की प्रॉब्लम है, बोला तो सर को तो जानते थे तो इसलिए इन पे भरोसा नहीं कर सकते थे, लेकिन जब मैं गया तो मैंने इनको भरोसा दिलाया कि मैंने कहा सर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लगातार कंटिन्यू 5-6 महीने इनको प्रोडक्ट दिए और आज आप देख सकते हैं कि चल रहे हैं, मतलब हालांकि डंडा अभी माता की ये ताकत है हमारे यार में, ये ताकत है हमारे। थैंक यू लास्ट प्लीज आइए। तो सबसे पहले तो यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम दिया बिष्ट है, मैं चमोली उत्तराखंड से हूँ और अभी देहरादून में राजरामी 12th स्टैंडर्ड में हूँ। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपनी मम्मी का, जो अभी नई नई टोपाज बनी है मिसेस गीता बिष्ट, उन्होंने इस संस्था पे भरोसा करके यह प्रोडक्ट लिया। मुझे 5 साल से माइग्रेन था और 1.5 साल से बिल्कुल रिजल्ट है, अभी कुछ माइग्रेन नहीं है। तो सर आपका थैंक यू सर, मैम जी सर का बहुत बहुत थैंक यू। हाथ कंगन को आरसी की और पढ़े लिखे को अब तो समझो कि सोसाइटी के लिए अच्छा काम हो रहा है खराब काम हो रहा है। इसी काम को करके लोग गाड़ी ले रहे हैं, बंगले ले रहे हैं, यार अच्छी जिंदगी जी रहे तो अच्छी बात है ना भाई। जो लोग लूट के जहर बेच के आपको बर्बाद करके, आपके लिए ड्रग्स बेच के, आपके बच्चों को ड्रग्स एडिक्ट करके, सिगरेट पिला के, शराब पिला के जो लोग पैसे कमा रहे हैं उनसे तो बेहतर काम कर रहे हैं हम लोग, है ना।
तो कैसे साथ देना चाहिए हमें, एक दूसरे का बढ़ चढ़ के देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो रावत जी कह रहे थे, पता नहीं कौन कह रहे थे, ईडब्ल्यूपीएल को किसी की नजर ना लगे। अरे नजर लगने दो, नजर में आने दो, ईडब्ल्यूपीएल जितनी नजरों में आएगी उतनी लोगों की नजरों में चढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं। राइट।